यूपी में आने वाले 27 से 31 जनवरी तक गंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर राजधानी लखनऊ से आज सीएम योगी ने दो गंगा रथ को हरी झंडी दिखाई है। पहला रथ बलिया जबकि दूसरा रथ बिजनौर के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों से गंगा की पवित्रता और निर्मलता के लिए कदम उठाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी से गंगा यात्रा निकलनी है और उससे पहले जो गंगा रथ तैयार किए गए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन गंगा रथों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग उनका सरकारी आवास है, वहां पर ये गंगा रथ यात्रा के जो रथ हैं उन्हें हरी झंडी दिखाई दे। आप सामने देखिए, मुख्यमंत्री इधर मंच पर मौजूद हैं और वो इसे रवाना कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए आप, ये वो रथ है जो तैयार किया गया खास तौर से। एक रथ यहाँ से बिजनौर जाएगा जहाँ से पहली यात्रा निकलेगी, दूसरी बलिया जाएगी। बिजनौर में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और वो गंगा यात्रा को रवाना करेंगे। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी, वो उस रथ को रवाना करेंगे और दोनों जो यात्राएं हैं वो 31 जनवरी को कानपुर में ख़त्म होंगी। 27 जिलों से यात्रा गुजरेगी, 1358 किलोमीटर लंबी यात्रा जो है वो तय करेगी। 1038 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें ये यात्रा तय करेगी। उद्देश्य यही है कि गंगा की निर्मलता, पावनता, विरलता वो बरकरार रहे। गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं, शहर बसे हैं, वहां पर लोग जागरूक हो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए। साथ ही साथ खास तौर से जो जीरो बजट खेती है वो गंगा के किनारे की जाए, गंगा उद्यान बनाया जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। और ये जो यात्रा होगी 160 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा हम कहें तो पानी के भीतर भी होगी। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक अच्छे उद्देश्य के साथ गंगा यात्रा शुरू की जा रही है और आज खुद मुख्यमंत्री ने इन गंगा रथों को हरी झंडी दिखाई है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपुर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है, जनपद बलिया के कानपुर के लिए दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी। दोनों यात्राएं एक साथ प्रारंभ होंगी और दोनों का समागम कानपुर में 31 जनवरी को होगा। गंगा यात्रा के पूरे कार्यक्रम का जिम्मा यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा के जरिए सरकार कोशिश है करेगी कि लोगों को गंगा की निर्मलता और स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए, जानकारी दी जाए। उनसे खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के डेवलपमेंट एजेंडे में गाय भी है और गंगा भी है और 27 जनवरी से गंगा यात्रा शुरू हो रही है। आज मुख्यमंत्री ने गंगा रथों को रवाना किया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हैं, जिनके विभाग के ऊपर, जिनके ऊपर इस पूरी गंगा यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी है। सर, गंगा यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री की जो इच्छा है उसको साकार रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस संकल्पना को साकार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो, गंगा स्वच्छ हो और इसके साथ साथ गंगा को अर्थ से कैसे जोड़ा जाए, गंगा के तट पर निवास करने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कैसे आए, इसके लिए भव्य गंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दो यात्राएँ आयोजित की जा रही हैं। पूरी यात्रा हमारी रोड के द्वारा जो चलेगी वो 1238 किलोमीटर की यात्रा होगी और जो बोट के द्वारा यात्रा
चलेगी, नाव के द्वारा यात्रा चलेगी। लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा होगी। दोनों यात्राओं में पहली यात्रा का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, उनके साथ त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, और जो दूसरी यात्रा है उसकी शुभारंभ महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी और भारत सरकार के मंत्रीगण और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण उसमें उपस्थित रहेंगे। इस तरीके से पूरी यात्रा आयोजित की जाएगी, लोगों को जागरूक करना कि गंगा को साफ रखें। लेकिन चलिए कानपुर की आप मुख्यमंत्री ने बात कही कि हमने वहाँ पर बंद कर दिया सीवेज का, वाराणसी में बंद है, लेकिन गाजीपुर बलिया बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पर सीवेज का पानी जाता है, इसके लिए भी कोई बड़ी कार्य योजना है? पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है और एक एक करके सब बंद कर रहे हैं। जल्दी आपको पता चलेगा कि कोई भी नाला गंगा में नहीं गिरना पाएगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार किया है। ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस गंगा यात्रा के जरिए आम लोगों को भी जागरूक किया जाएगा और सरकार की भी यही योजना है कि गंगा को निर्मल रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, और ख़ास तौर से जो जो सीवेज का पानी, जो नालों का पानी गंगा में जाता है उसको रोकने के लिए सरकार एक प्रभावी कदम उठाने की तैयारी में है। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।